हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैंने सोचा अपना होम टूर करवा दूं, तो चलिए देखते हैं। ये हमारा होम है, रेंट वाला घर है, पर जहाँ रहते हैं वो अपना ही होता है। तो ये देखिए, ये सिटिंग रूम है प्लस पापा का रूम, और ये यहाँ पर टीवी वी है, शोकेस है। ये मम्मी है हमारी, और वो बड़े सासू माँ, बड़े ससुर जी। और ये आप देख सकते हैं, ये सिटिंग रूम है। ये सोफ़ा है जो मेरे हस्बैंड ने अपने हाथों से बनाया है खुद से ही। और ये है मिडिल वाला रूम, जिसमें मैं सिलाई विलाई करती हूँ। तो इस तरह से मैं ये एकदम मिडिल में है ये रूम, और ओपन है, इसमें डोर वोर नहीं है। तो यहाँ पर मैं बैठकर सिलाई करती हूँ, और ये सिलाई का सामान रखती हूँ इस गोदरेज में। और ये चेयर है, इसी पे बैठ के मैं सिलाई करती हूँ। तो इस तरह से है ये मेरा सिलाई वाला रूम। आप देख सकते हैं, ये गाड़ी का सीट है जिसे कवर मैंने लगा दिया है, सोफा जैसा हो गया है। और ये है किचन, ये किचन है, देख सकते हैं। ये ड्रॉल है, इसमें सब मसाले वसाले रखती हूँ मैं। दोनों साइड से खुलता है, ये यहाँ से खुलेगा। इसमें सब मसाले हैं, अचार है, और फिर ये साइड से भी खुलेगा। तो यहाँ पर मिक्सर रखती हूँ, और ये सब मसाले हैं। तो ऐसा है मेरा किचन। ये सब्जी की टोकरी है, इसमें सब्जी उब्जी रखती हूँ मैं। ये मेरा ईशान आ गया। और ये एक वॉशरूम है, एक यहाँ पर बेसिन वसिन है, मैं बर्तन वर्तन देती हूँ। यहाँ पे पीने वाला पानी भी है, इस ड्रम में रखते हैं। और ये पीछे से बाहर का नज़ारा है। तो यहाँ पर ड्रम सिंटेक्स है, और ये यहाँ पे पानी आता है हमारा सप्लाई वाला। और ये बेसिन है, रस रस करते हैं। स्वागत है, और अभी बज रहे हैं शाम के 7। तो मैं डिनर की रेडी करने जा रही हूँ। आज मैं डिनर में बना रही हूँ पालक पनीर। तो देखते हैं कैसे बनाती हूँ मैं। चलिए अभी मेरे साथ ज्वाइन करिए मुझे। तो ये मैंने पालक ले लिया है, इसको मैं तोड़ के अलग कर लूँगी, पत्ते अलग और उसका जड़ अलग। फिर इसको अच्छी तरह से धो के बॉईल कर लूँगी। तो इस तरह से मैं पालक पनीर बनाऊँगी इसकी। चलिए मेरे साथ बने रहे मेरे वीडियो में, और देखिए मैं पालक पनीर कैसे बनाती हूँ अपने स्टाइल से। तो चलते हैं ये किचन में। पालक को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, आप देख सकते हैं। धोने के बाद इसको मैं बॉईल कर लूँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी पालक पनीर। ये मैंने बैठा दिया है बॉईल होने के लिए। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, और इसको मैं 10 से 5 मिनट बॉईल कर लूँगी, जब तक ये अच्छी तरह से गल जाए ये पत्ते जो है। ये बॉईल हो गया है, अब मैं इसे निकाल लूंगी। तो ये मैंने लिया है 2 टमाटर, 1 प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। तो इन सबको मैं कट कर लूँगी, इसके बाद फ्राई करूँगी। तो ये सब मैंने कट कर लिया है, अब इसको मैं फ्राई करूँगी। यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में, इन सबको मैं डाल के फ्राई कर लूँगी। ये मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी, ये पालक का। तो ये फ्राई हो गया है, अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। और टमाटर को भी स्वाद फ्राई कर लेती हूँ।
तो ये मेरा पालक मैंने पीस लिया है और इसी में मैं ये ग्राइंड कर लूँगी इसको भी। तो ये पक चुका है, ऑफ कर देती हूँ और थोड़ी ठंडी हो जाए तो इसको भी मैं पीस लूँगी। इसमें मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और पनीर मसाला पाउडर। तो इन सबको मैं डाल के थोड़ी देर पका लूँगी लो फ्लेम पे। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी जो मैंने प्याज और टमाटर अदरक लहसुन सब का पेस्ट बनाया था, वो सब मैं डाल के इसको पका लूँगी अच्छी तरह से। तो ये लाल मिर्च ये सब मैंने डाल दिया है और डाल के इसको अच्छी तरह से पका लूँगी लो फ्लेम पे, क्योंकि ये जल जाएगी अगर हाई फ्लेम पे पकाया था। तो ये पका है और ये मैंने जो ग्राइंड किया था ये प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट है ये, तो ये भी मैं डाल के अच्छी तरह से पका लूँगी इसको। तो ये पक चुका है और इसमें मैं ये रह गया था काली मिर्च, तो ये भी मैं डाल रही हूँ। और अब ये पिसा हुआ पालक डाल देती हूँ मैं इसमें, उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसको पका लूँगी थोड़े देर, क्योंकि इसका जो गन है पालक का जो स्मेल आता है वो सब निकल जाए। और इसमें थोड़ा सा चीनी मैं डालूँगी क्योंकि चीनी से इसका कलर अच्छा रहता है, ग्रीन रहता है कलर। और इसमें मैं नमक दिखाना भूल गई, पर मैंने नमक डाल दिया है 1 चम्मच इसमें। तो ये 5 से 10 मिनट इसे पका लूँगी और फिर इसमें मैं पनीर डालूँगी। तो आप देख सकते हैं ये पक चुकी है, के बाद हम इसमें पनीर डाल देंगे। तो ये अच्छी तरह फ्राई हो गया है, पक चुका है। अब इसका पानी सूख गया है और थोड़ा थोड़ा ड्राई हो गया है, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। यहाँ पर पनीर भी बॉईल हो गया है, इसे मैंने नमक और हल्दी डाल के बॉईल किया है, तो इसको मैं अब निकाल दूंगी पानी से। तो मैं इसमें पनीर डाल दी हूँ, और थोड़ी देर और पका लूंगी। और इसमें आप क्रीम भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है। तो ये पक चुकी है, तो इसमें मैं डालूंगी गरम मसाला थोड़ी सी। और इसको आप कर दूंगी, और यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ। तो ये हम लोग धोती रोटी बोलते हैं, डबल रोटी। एक लोइया छोटा सा करके उसको मैं बेल लूँगी और फिर दूसरा लोइया को भी बेल लूँगी
आप देख सकते हैं इस तरह से राउंड राउंड करके दो छोटे छोटे रोटी बेल लेना है। उसके बाद इसमें ऑयल लगा देना है, दोनों में ऑयल लगा के एक के ऊपर एक इसको रख देना है इस तरह से। उसके बाद इसको अच्छी तरह से चारों तरफ से दबा देंगे, प्रेस कर देंगे। उसके बाद इसको बेल लेंगे, जितना जितने साइज के हम लोग रोटी बनाते हैं उस साइज का बना लेंगे। मतलब जो रोज़ाना का लोइया से बनाते हैं उसका आधा करके उसमें दो बनाना है हमें। तो इस तरह से जो साइज का रोटी हम लोग रेगुलर बनाते हैं वो साइज का बन जाएगा, डबल होते हुए भी। तो ये मैं तवे पे रख दे रही हूँ, तो थोड़ा सा हल्का सिक जाए तो इसको मैं पलट दूँगी। अभी सिका नहीं है, तब तक मैं दूसरा लोहिया भी रोटी भी बेल लेती हूँ। देखिए एक तरफ सिक गया है और थोड़ा सा मैं फ्लेम हाई कर दूँगी कि अच्छी तरह से चारों तरफ पक जाए रोटी। तो ये सिक गया है चारों तरफ। अब इसमें मैं ऑयल लगा दूँगी, देख सकते हैं ये मैंने ऑयल लगा दिया है। और इसमें जब ऑयल लगाने के बाद ये दोनों रोटी जो डबल मैंने बनाया है दोनों अलग हो सकता है, और बहुत ही पतला बनता है ये जब अलग करेंगे हम इसको। ये देख सकते हैं आप, ये एकदम दोनों अलग हो जाएगा, बहुत ही अलग ही टेस्ट लगता है इस रोटी का। ये देखिए और सॉफ्ट भी बहुत बनता है। तो इसको मैंने रख दिया है, ये देखिए गर्मा गर्म रोटी रेडी है। अब हम लोग खाएंगे डिनर, रोटी और पालक पनीर। तो आज के डिनर में यही है हमारा खाना। तो ये लास्ट का रोटी रह गया था बनना, ये बन चुका है। गैस मैंने ऑफ कर दिया है। और ये देखिए मेरे बेटे का कमाल, चारों तरफ कपड़ा कपड़ा करके खेल रहे हैं। सब ड्रॉल में से निकाल के कपड़ा देखी क्या कोई लेवा देखी। काम नहीं मिलत ना बाबू तारा के। तो ये है आज का हमारा डिनर, रोटी पालक पनीर इमली की चटनी और वो सब्जी है, गोभी आलू की सब्जी।